इंदौर में होलिका दहन की रात एक हादसा हो गया, जहां एक कार्यक्रम के नाच के दौरान एक युवक ने खुद को ही चाकू मार लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि उसने खुद को चाकू क्यों मारा। जानकारी के अनुसार हादसा शहर के बाणगंगा क्षेत्र के कुशवा नगर में हुआ, जहां होलिका दहन कार्यक्रम में नाच के दौरान एक युवक ने खुद को ही चाकू मार लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। यह पूरा वाक्य नाच का वीडियो बनाने के दौरान कैमरे में कैद हो गया, जो बाद में वायरल हो गया। पुलिस ने बताया कि मामला कुशवा नगर का है। यहां होलिका दहन में नाच के दौरान गोपाल दर्जी नामक युवक की मौत हो गई। होलिका दहन के कार्यक्रम के दौरान युवक में भी शराफत से जीता मगर गाने पर नाच रहा था। नाचते वक्त युवक ने चाकू निकाला और खुद के सीने पर ही कई वार कर दिए। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, इससे वह घायल हो गया। संभवतः इसमें से कुछ वार सीधे दिल को चिर गया। घायल अवस्था में स्वजन युवक को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बैटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। ये थाना बाणगंगा में कुशवाहा नगर क्षेत्र है, तो वहां पर एक आकाश स्कूल है, उसके पास में गोपाल दर्जी नाम का ये व्यक्ति था, जिसने डांस करते हुए चाकू से अपने शरीर में वार किए और जो है एक उसमें से संभवतः हार्ट को पंक्चर कर गया। और उसके बाद जो है सुबह जब हॉस्पिटल ले गए तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। सर, ये होलिका दहन के समय की सुबह की घटना है, युवक शराब के नशे में था, ऐसा बताइए। अभी प्रारंभिक तौर पर पीएम कराया जा रहा है और डांस करते में ये घटना हुई है, इसका वीडियो भी सामने आया है। अब शराब पी थी कि नहीं पी थी, इस संबंध में पीएम के बाद स्पष्ट हो पाएगा। सर, क्या करता था युवक जो कार्यक्रम था? ये गोपाल जो है दर्जी का काम करता था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।